नमस्ते, एक्स शारदा पब्लिक स्कूल में आपका स्वागत है। कक्षा 10, विषय हिंदी, पाठ साखी, रविदास। आइए जानते हैं कवि परिचय। कवि कबीरदास। कबीरदास जी का जन्म 1398 लहरताला काशी में हुआ। कार्यक्षेत्र कवि एवं समाज सुधारक थे। इनके माता पिता नीरू, नीमा, कबीरदास की रचनाएं कबीर के दोहे साखी, सबद, रमैना, बीजक में शामिल हैं। मृत्यु 1518 में। स्थान मगहर, उत्तर प्रदेश। आइए जानते हैं कबीर की प्रमुख साखियां। दोहा एक, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसमें हमारा अपना तन मन भी स्वस्थ रहे और दूसरों को भी कोई कष्ट न हो, अर्थात दूसरों को भी सुख प्राप्त हो। दूसरा दोहा, कस्तूरी कुंडली बसे मृग, ढूंढे बन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि संसार के लोग कस्तूरी हिरण की तरह हो गए हैं। जिस तरह हिरण कस्तूरी प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकता रहता है, उसी तरह लोग भी ईश्वर प्राप्ति के लिए भटक रहे हैं। कबीर जी कहते हैं जिस प्रकार एक हिरण कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि वह सुगंध उसी की नाभि में विद्यमान होती है, परंतु वह इस बात से बेखबर होता है, उसी प्रकार संसार के कण कण में ईश्वर विद्यमान है और मनुष्य इसी बात से बेखबर ईश्वर को देवालयों और तीर्थों में ढूंढता है। और कबीर जी कहते हैं कि अगर ईश्वर को ढूंढना है तो अपने मन में ढूंढो। तीसरा दोहा, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। इसमें कबीर जी मन में अहम या अहंकार के मिट जाने के बाद मन में परमेश्वर के वास की बात करते हैं। कबीर जी कहते हैं कि जब हम इस हृदय में मैं अर्थात मेरा अहंकार था, तब इसमें परमेश्वर का वास नहीं था, परंतु अब हृदय में
अहंकार नहीं है तो इसमें प्रभु का वास है। जब परमेश्वर नामक दीपक के दर्शन हुए तो अज्ञान रूपी अहंकार विनाश हो गया है। कबीरदास जी का कहना का यह अर्थ है कि अहंकार जब तक मनुष्य में रहता है तब तक प्रभु का दर्शन नहीं हो पाता। जब सारा अहंकार मिट जाता है तब प्रभु का दर्शन होता है। दोहाचार, सुखिया सब संसार है खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। कबीर जी कहते हैं कि संसार के लोग अज्ञान रूपी अहंकार में डूबे हुए हैं, अपनी मृत्यु आदि से भी अनजान सोए हुए हैं। ये सब देखकर कबीर दुखी हैं और वे रो रहे हैं। हे प्रभु, प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में जागते रहते हैं। दोहा 5, बिरह भुअंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बौरा होई। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य के मन में अपनों के बिछड़ने का गम सांप बनकर लौटने लगता है तो उस पर न कोई मंत्र असर करता है और न ही कोई दवा असर करती है। उसी तरह राम अर्थात ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और यदि वह जीवित रहता भी है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। राम वियोगी ना जीवे, बिना राम के अगर जीता है तो वह पागलों की तरह हो जाता है, कहता है। यहाँ पर तभी जो राम भक्त हैं बिना राम के वे जीवित नहीं रह पाएंगे, अगर वो जीवित भी है तो वो पागलों की तरह हो जाएंगे, कहते हैं। मतलब बिना राम के वह नहीं रह सकते। आइए जानते हैं अगला दोहा, दोहा 6, नींदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। इसमें कबीरदास जी निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने पास रखने की सलाह देते हैं ताकि आपके स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन ला सके। कबीरदास जी कहते हैं कि हमेशा निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने निकट रखना चाहिए, हो सके तो अपने आंगन में ही उनके लिए घर बनवा लेना चाहिए, अर्थात हमेशा अपने आसपास ही रखना चाहिए ताकि हम उनके द्वारा बताई गई हमारी गलतियों को सुधार सकें। इससे हमारा स्वभाव बिना साबुन और पानी की मदद से ही साफ हो जाएगा। कहने का यह अर्थ है जो हमारी बुराई करते हैं, जो हमारे निंदा करते हैं, उन लोगों को हमारे पास में ही रखना चाहिए। कभी कहते हैं कि जो हमारे निंदा करते हैं, हमारी जो बुराइयां करते हैं, मतलब हमारी जो गलतियों को दर्शाते हैं, उन लोगों को हमारे सामने ही रहना चाहिए। कभी ये भी कहते हैं कि हमारे सामने उनका घर रहना चाहिए, कहता है। मतलब जो हम गलतियां करते हैं वे
हमें बता देते हैं, तुरंत बताते हैं, तो हम उस तरह की गलतियों को सुधार सकते हैं। इस तरह रवि कवि कहते हैं कि बिना साबुन पानी, मतलब बिना साबुन का ही हमारा जो तन है वह निर्मल हो सकता है, निर्मल यानी साफ। आइए जानते हैं अगला दोहा, दोहा सात, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ पंडित भयान कोई, एक असीर पीव का पड़े सु पंडित होई। इसमें कबीर जी कहते हैं पुस्तक ज्ञान को महत्व न देकर ईश्वर प्रेम का महत्व देते हैं। कबीर जी कहते हैं इस संसार में मोटी मोटी पुस्तकें यानी किताबें पढ़कर कई मनुष्य मर गए, परंतु कोई भी मनुष्य पंडित यानी ज्ञानी नहीं बन सका। यदि किसी व्यक्ति के ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया होता तो वह पंडित बन जाता, अर्थात ईश्वर प्रेम में ही एक सच है, इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। दोहा आठ, हम घर जालिया अपना लिया मुरड़ा हाथी, अब घर जालो तास का जो चले हमारे साथी। इस साखी के द्वारा कवि कविदास जी यह कहते हैं माया रूपी घर को जलाकर अर्थात त्याग कर ज्ञान को प्राप्त करने की बात कहते हैं। कबीर जी कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला लिया है, अर्थात उन्होंने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब उनके हाथों में जलती हुई लकड़ी है यानी ज्ञान है, अब ये उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ चलना चाहता है, अर्थात उसे भी मोह माया से मुक्त होना होगा जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। इस दोहे द्वारा कबीर यह बताना चाहता है उन संतों को, उन साधुओं को, कि संसार में या उस समाज में जो व्यक्ति होता है, जो ज्ञानी होता है, उनके साथ भी बहुत सारे लोगों को वो ज्ञानी बना सकते हैं, क्योंकि खुद पहले उसको ज्ञानी बनना पड़ता है, फिर बाद में फिर जो लोग उसके साथ है उनको भी ज्ञानी बनाना चाहिए। कहता है हम घर जालिया अपना, मतलब पहले हमें ज्ञानी बनना चाहिए, पहले हमें ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए, फिर जो हमारे साथ में लोग हैं उनको भी ज्ञानी बनाना चाहिए, जब उनको सभी को साथ में लेकर चलने की बात कहते हैं। इस तरह कबीरदास ने इन साखियों द्वारा सभी की हित के लिए और सभी के साथ चलने की बात कहते हैं। आइए जानते हैं इस साखी द्वारा गृह कार्य क्या होगा। आपके लिए है गृह कार्य, साखी कविता का मस्तक नक्शा तैयार कीजिए और सारांश अपने शब्द में लिखिए।
धन्यवाद।